एडवोकेट कल वो एक प्रकरण हुआ लाल कुर्ती थाने के अंदर, पुलिस से बदतमीजी करी गई है, जो भी कुछ आपके सामने आया तो बार ने क्या एक्शन लिया उसके उनके खिलाफ? हमने आज अपनी कार्यकारिणी और वरिष्ठ अध्यक्ष और वरिष्ठ जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनकी और पूर्व महामंत्री की एक मीटिंग करी सुबह आज 10:30 बजे, और उस मीटिंग में सबके विचार जाने, उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनको अपने बार की जिला बार की सदस्यता से निष्कासित करें। तो उसमें और कोई वकील ने कोई ऑब्जेक्शन वगैरह करा क्या? नहीं, सभी समर्थन से जितने वहाँ मौजूद थे सबने एक राय होकर उनको ये कहा कि ये अधिवक्ता के ये हमारा विधि व्यवसाय है, इसको धूमिल कर रही है, इस तरह से जो उन्होंने व्यवहार किया है वो अच्छा व्यवहार नहीं किया, एक अमर्यादित जो व्यवहार है उनका वो नहीं होना चाहिए, उसको देखते हुए हम लोगों ने अपनी बार से जिला बार एसोसिएशन से सदस्यता समाप्त कर। पहले भी बारमैन के खिलाफ जांच चल रही है, जो होटल प्रकरण चला था उसमें भी जी चल रही है उनको जाँच, तो उसमें कुछ निकल के आया? नहीं, उसमें तो अभी कुछ निकल के नहीं आया, अभी चल रहा है उसमें बात हो रही है। थैंक यू सर। सर एक महिला है काफ़ी हंगामा, उसमें आज क्या क्या आरोप है सर उसके, अभी तक क्या जानते पड़े? ये लाल कुर्ती थाना क्षेत्र की घटना है, वहाँ पे कुछ लोग थाने पर आकर शिकायत किए कि कोई महिला किसी कार को ड्राइव कर रही थी, उन्होंने उनकी गाड़ियों में टक्कर मारी है। उसके बाद इमीडिएटली पुलिस एक्शन हरकत में आई और सबको थाने पर लेके आई, वहाँ पे कुछ लोगों ने तहरीर दी है। उनकी शिकायत ये है कि संभवतः महिला ने शराब के नशे में है, और हम लोगों ने इमीडिएटली जो भी प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें हमने तहरीर उनकी ले ली है, और उसके बाद हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, मेडिकल करा रहे हैं, जो भी एविडेंस मिलेगा जो प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर महिला के लगातार आरोप हैं कि कुछ लोग उसको जो है जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पार्सल सर जिसका नाम आया था पीछे उसको उसने आरोप लगा। देखिए जैसा कि वहाँ बताया गया कि जो महिला हैं उनका संबंध शायद किसी पुराने प्रकरण से भी है, तो हम इसकी जाँच कर रहे हैं कि उस प्रकरण में इनका क्या रोल था, और वो संभवतः अगर वो हैं तो इनकी जो बातें हैं उसको भी ध्यान से देखा जाएगा, लेकिन वो मेडिकल वगैरह आने के बाद और सब चीज़ें सामने आएंगी उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कोई तहरीर आई है इसमें महिला के खिलाफ जिन लोगों ने जो गाड़ी टक्कर मारी जिन लोगों? हाँ, उन लोगों ने लिखित में तहरीर दी है, उसी पर हम कर रहे हैं। महिला ने भी कोई तहरीर दी है सर? नहीं, संभवतः महिला की तरफ से भी कोई तहरीर नहीं है।